नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है डिविजर्स का अगला टाइप जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बारी बारी से देखेंगे हर टाइप का सवाल को जो है सॉल्यूशन करते, ठीक है, करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब 500 तक बोला है, यानी 1 से लेकर 500 तक में कितनी संख्याएं होंगी जो 16 से कटेंगी। सबसे पहले देखेंगे 16 से कटने वाली पहली संख्या जो होगी 16 होगी। ठीक है, उसके बाद 32, यानी 16 से पहला टेबल वाला जो 500 तक ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो 16 से विभाजित होगी। तो सिंपल सा इसमें क्या करना है, हम लोग को 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो बड़ी संख्या है अगर लगातार दे 1 से तब, तो 1 से 500 तक में पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोग 16 से 500 में डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। ठीक है, बचेगा 2 और 1 0 ऊपर से उतर जाएगा। अब ये जो है 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमें जो है शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यानी शेषफल हमको नहीं लेना है, केवल हमको भागफल देखना है। यानी 500 तक 16 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वह 31 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ए है। अब चलते हैं हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ। दिया हुआ कि 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, यानी 1 से 200 तक। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब कि 1 से लेकर के 200 तक गिनती में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या होगी। तो सिंपल से क्या करना है कि 19 से 200 में भाग दे देंगे। ठीक है, लास्ट नंबर में भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद एक बचेगा, फिर जीरो। ठीक है, ये कट जाएगा और ये जो है नहीं जाएगा 19 से, इसलिए यहाँ पर भी जीरो। तो हमें जो है शेषफल नहीं लेना है, केवल हमें भागफल से मतलब है, क्योंकि जो है अगर 19 शुरुआत देखा जाए तो 19 कटेगा, फिर आगे देखेंगे तो ठीक है 38 कटेगा। ठीक है, अगर लास्ट देखा जाए 19 के टेबल से तो 190, यानी 200 तक, 200 के पार नहीं जाना है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 19 का टेबल है, जो कि जो विभाजित होने 19 जो संख्या है वह टोटल 10 बनेगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में दिया होगा कि 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो सिंपल सा इस तरह के प्रश्न में जो है हमें देखना ये है, बीच वाली संख्याओं को निकालना है। मतलब कि 1 से लगातार 1300 तक नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 500 से लेकर 1300 तक के बीच में। ठीक है ना, 1300 तक दिया हुआ है, अगर 1300 9 से विभाजित होगा तो इसको भी गिन लेंगे। अगर 500 से बोल रहा है, इसका मतलब कि ये भी जो है 9 से विभाजित होगा, इसको भी गिन लिया जाएगा। उस कंडीशन में अगर तक वाला प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, तक वाला प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग कि पहले वाली संख्या में क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, पहले वाली संख्या में क्या कर देते हैं, एक घटाकर, ठीक है, या एक कम कर देते हैं। तो यानी यहाँ 500 है, 500 में से एक कम करेंगे तो 500 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, 499। तो 499 तक पहले देखेंगे कि 9 से विभाजित कितने होने वाली संख्या है। तो 499 में 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कितने बार में जाएगा, 9 5 45। हमें जो है शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल जो है भागफल लेना है। तो ये 499 तक आ गया। अब हमें जो है 1300 तक, यानी 1 से लेकर 1300 तक जो है टोटल संख्या है कितनी होंगी। तो यहाँ पर तक वाले प्रश्न में जो है पहले वाले में एक कम करेंगे, लेकिन बाद वाले में एक नहीं कम करेंगे। अगर ये पूछा होता कि 500 से 1300 के बीच, 500 एवं 1300 के बीच पूछता, उस कंडीशन में जो है लास्ट वाले नंबर में एक कम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तक बोला है तो इसमें नहीं कम करें। अब 1300 तक टोटल जो है संख्याएं देखेंगे 9 से कितने डिविजिबल है, ठीक है, तो एक बार में, फिर चार बार में, फिर चार बार में, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यानी 144 इसका भागफल आएगा, तो हमें भागफल केवल लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें बीच बोल रहा है, इसलिए 1300 तक टोटल 144 जो है संख्या क्या होगी, कटेंगी 9 से, और 499 तक जो है टोटल 55 संख्याएं होंगी जो 9 से कटेंगी। तो इनमें माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो है 500 से लेकर के 1300 तक में 9 से कटने वाली संख्या, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 89, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। इस प्रश्न में दिया होगी जो है 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पर देखना है कि इससे पहले वाले प्रश्न में दिया था कि से लेकर तक वाला, और यहाँ पर दिया हुआ एवं के बीच में, तो कंडीशन ये है कि 800 एवं 1500 के बीच, 800 भी नहीं लेना है, 1500 भी नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं, बीच वाले प्रश्न अगर दिया रहेगा तो बाद वाले में एक कम करेंगे, बाद वाले में क्या करेंगे, एक कम करेंगे। ठीक है, तो बाद वाला कौन सा है, तो 1500 है, तो 1500 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1499।
तो 1499 में जो है हम लोग भाग करेंगे, यानी एक से लेकर 1499 तक में 16 से कितनी संख्याएं होंगी जो कटेंगी। तो सिंपल सा 1499 में हम 16 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 16 नवा 144 और 16 तिया 48, शेष बचेगा 11, उसको छोड़ देना है, हमें जो है भागफल लेना है केवल। अब देखेंगे कि 800 तक टोटल जो है कितनी विभाजित होंगी 16 से, वो भी निकालेंगे। तो क्या करना है, जब भी प्रश्न बीच वाला दिया रहेगा तो हमें लास्ट वाला में एक कम करना है, शुरू वाला में नहीं कम करना है। अब 800 तक देखेंगे कितनी कटेंगी, तो ये 50 कटेंगी टोटल, ठीक है। यानी 800 तक संख्याएं जो है 16 से कटने वाली कितनी होंगी, जैसे मान लेते पहला संख्या हो गया 16, अगला हो गया 32, ऐसे अगर 80 तक 800 तक लेके जाएंगे तो 16 से ये 50 संख्याएं होंगी जो कटेंगी। तो सिंपल सा हमें बीच में चाहिए, तो इनमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 93 में माइनस कर देंगे 50 का, तो कितना आएगा 43, जो कि जो है ऑप्शन इसमें है तो सी में है। आप लोग देख रहे हैं जो है जीनियस क्लासेज वाले चैनल, तो इस चैनल पर बने रहिए, आप लोग को जो है मैथ के नए नए कंसेप्ट मिलते रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ देखते हैं, दिया हुआ है कि जो है 700 से लेकर के 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, मतलब 700 से लेकर के 1200 तक के बीच में, ठीक है ना, यानी 700 भी ले लेना है और 1200 भी ले लेना है। तो तक वाले प्रश्न में इससे पहले बता चुके हैं कि तक वाले प्रश्न में क्या करना है, कि पहले वाले में क्या करना है, एक कम करना है, पहले कितना होगा 699 होगा, 699 तक पहले देखेंगे कि जो है 13 से कितनी संख्या विभाजित होंगी। तो देखेंगे यहाँ से 13 5 65 और 13 39, ठीक है ना, तो 650 कोई मतलब नहीं है हमको। अब यहाँ पर 1200 तक देखेंगे, ठीक, 1200 से तक जो है 13 से कितनी संख्याएं कटेंगी, यहाँ पर ध्यान देना है 13 9 117 बचेगा कितना 30, 13 2 26, तो भागफल आएगा 92, ठीक है। तो इनके बीच में संख्या करना है तो इनमें घटाना पड़ेगा, यानी 92 में से 53 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये ज्ञात हो जाएगा कि इनके बीच, मतलब कि इनसे लेकर कि 700 से लेकर कि 1200 तक कुल कितनी संख्या है 13 से विभाजित होगी। तो ये 9 होएगा, ये 8 में से 5 जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 39 जो है ए में है, ये इस राइट आंसर। तो दिया हुआ कि 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली जो है कुल कितनी संख्या होंगी, यानी 2, 3, 5 से, 2 से भी कटने वाला होना चाहिए, 3 से भी और 5 से भी, तो तीनों से वो सभी संख्याएं जो कटेंगी पहले उसको निकालेंगे। तो सिंपल सा अगर ऐसे जो है कंसेप्ट दे दे 2, 3, 5 से जो विभाजित होने वाले, मतलब तीनों से कटने वाले, तो इसका जैसे सिंपल से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 5 का, जो कि आएगा 30। तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा इन दोनों के बीच, मतलब 500 से लेकर के 900 तक में 30 से पहले जो है कटने वाली संख्या निकालेंगे। फिर अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो 500 से लेकर 900 तक, मतलब कि शुरू होगा 500 तक से और अंतिम 900 तक जाएगा वो संख्या, तो हमें 30 से विभाजित होने वाली पहली संख्या निकालेंगे। तो तक वाला दिया है तो पहले वाले में एक कम करेंगे, तो 500 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 499। 499 में हम 30 से भागा देंगे तो हमें ये ज्ञात होगा कि एक से लेकर 400 तक, 499 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 30 से कटेंगी। तो ये एक बार में, फिर 30 6 180, हमें जो है शेषफल से कोई मतलब नहीं, भागफल लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे अंतिम जो है 900, इसमें कम नहीं करेंगे, 900 में 30 से भागा देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, ठीक है, तो हमें भागफल लेना है केवल, ठीक है, कोशेंट लेना है। अब देखेंगे 30 से कटने वाली, 30 से कटने वाली मतलब 2, 3, 5 से कटने वाली जो है, कटने वाली संख्या देखना है। तो क्या करना होगा, टोटल 900 तक तो 30 कट रही है और 499 तक 16 को कट रही है, तो हमें जो है इनके बीच इतना से इतना तक लेना है। तो सिंपल से इसमें कम करेंगे, 30 में से 16 कम करेंगे तो 14 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होंगी, यानी 2 से 3 से और 5 से, ठीक है, तीनों से कटने वाली संख्या 14 बनेंगी। हमें क्या बोला है कि 2, 3, 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या होंगी, 500 से लेकर 900 तक। तो 500 से लेकर 900 तक जो कितनी संख्या होंगी, तो कुल संख्या टोटल कितनी होंगी, कुल जो संख्या होंगी टोटल कितनी होंगी, कुल संख्या 499 नहीं लेना है, इसका मतलब कि टोटल जो संख्या होगी टोटल 401 होंगी। तो 401 में से 14 ऐसी संख्या होंगी जो 30 से कटेंगी, मतलब 2, 3, 5 से कटेंगी तीनों से, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 14 को, कितना हो जाएगा 387, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन किस में है, डी में, यानी वैसी संख्या है जो 2, 3, 5 यानी तीनों से नहीं कटने वाली जो संख्या होंगी 500 से लेकर 900 तक,
वो कितनी होंगी, तो 387 होंगी। अब देखते हैं हम लोग जो है अगले खतरनाक सवाल में, दिया होगी 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 5 से विभाजित होगी। इससे पहले जितने भी प्रश्न देख रहे थे या तो एक कोई नंबर से या सभी से, अब यहाँ पर 4 या 5 से, मतलब अगर हम 1 से लेकर 10 तक लिखें, ठीक है, 1 से 10 तक अगर लिखें, तो देखना है यहाँ पर कि वैसे कितनी संख्याएं होंगी जो 4 या 5 से कटने वाली है। तो 4 से कटने वाली कौन कौन होंगी, एक 4 होगा और एक 8 होगा, और 5 से कौन कौन कटने वाली होंगी, तो 2 5 होगा और 10 होगा, मतलब या तो 4 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो इस टोटल जो है 1 से 10 तक में टोटल 4 संख्याएं जो होंगी, ठीक है, वो 4 या 5 से कटेगी। अगर कहता कि 4 एवं 5 दोनों से कटने वाली संख्या, यानी 4 एवं 5 से कटने वाली संख्या, उस कंडीशन में इसमें कोई नहीं होगा, यानी 4 एवं 5 से कटने वाली संख्या जो होगा, ठीक है, एलसीएम निकाल देते हैं, 4 5 का कितना होगा, तो 20 होगा। तो 20 यानी वो संख्या जो 20 से कटेगा, ठीक है, तो वो 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, लेकिन इसमें बोला है या तो 4 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। उस कंडीशन में देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 500 तक दिया हुआ है, यानी लगातार 1 से लेकर के 500 तक में हमें जो है क्या करना है कि जो है सबसे पहले देखेंगे कि 4 एवं 5 दोनों से कितनी संख्या कट रही हैं, और 4 से कितनी संख्या कट रही हैं, और 5 से कितनी संख्या कट रही हैं, सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 4 5 का एलसीएम कितना होगा, लस तो 20 होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 20 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या होगी, तो देख लेते हैं, 1 से लगातार दिया हुआ है, इसमें कोई घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो ये इसमें कटेगा कितने बार में, तो 25 बार में। तो 500 तक टोटल 25 ऐसी संख्या होंगी जो 20 से कटेंगी, मतलब 4 एवं 5 से दोनों से कटने वाले। हमें जो है अब 4 से निकालेंगे, 4 से कितनी संख्या कटेंगी, 125 कटेंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे 5 से कितनी संख्या कटेंगी, तो 100 संख्या कटेंगी। हमें क्या बोल रहा है, या तो 4 से या तो 5 से, दोनों से तो नहीं बोल रहा है, 4 एवं 5 से दोनों से नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले देख लेते हैं 4 से कटने वाली कितनी संख्या होगी और 5 से कितनी संख्याएं कटने वाली होगी, ठीक है, या तो 4 से या तो 5 से कटने वाली संख्या निकालना है हमको। तो सबसे पहले इतना जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 कुल संख्या ऐसी होंगी जो 4, ठीक से 4 से कटेगा और 5 से कटेगा, दोनों का शामिल है, हमें निकालना है या तो 4 से या तो 5 से। तो यहाँ पर 20 से कटने वाली इसको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 4 एवं 5 से दोनों से नहीं बोला है, ठीक है। तो 25 जो है संख्या इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, 200 आएगा, यानी 200 ऐसी संख्या होंगी या तो 4 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, 4 एवं 5 से नहीं कटने वाला संख्या, ठीक है, चाहिए, 4 एवं 5 से जो है नहीं कटने वाला संख्या चाहिए। इसका मतलब या तो 4 से या तो 5 से, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि 800 तक जो है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 या 7 से विभाजित है। इसका मतलब कि जस्ट लाइक 7 क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखते हैं उसी तरह से हल करेंगे, सिंपल सा। सबसे पहले क्या करेंगे कि 800 तक वैसी संख्या हम लोग निकालेंगे जो 8 एवं 7 से कटेगा। 8 एवं 7 से कहने का मतलब कि 8 से भी कटने वाला होना, दोनों से कटने वाला होना चाहिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 56 यानी 56। तो 800 तक वैसी संख्या निकालेंगे जो 56 से कटेंगे, इसका मतलब 8 7 दोनों से कटने वाली संख्या, तो कितने बार में जाएगा, 56, ठीक है, भाग कर लेंगे तो 14 बार में लगभग, ठीक है, जाने वाला है। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, ठीक, हमें जो है भागफल लेना है। अब देखेंगे हम लोग 800 तक 8 से कितनी संख्या विभाजित होंगी, तो 100 संख्या होंगी, और 800 तक 7 से कितनी संख्या विभाजित होंगी, ठीक है, एक एक कितने बार में जाएगा, तो 114। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है टोटल 56 यानी दोनों से कटने वाला 14 है, 800 कटने वाला जो है 100 है, और 7 से कटने वाला 114 है। तो दोनों से कटने वाला जो है क्या करना है, हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। तो 8 से कटने वाला 100 और 7 से कटने वाला 114 संख्या होंगी, और इसमें से दोनों से कटने वाला, ठीक है, घटा देंगे, ये हो जाएगा 214 और ये हो जाएगा 14, घटा देंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग को जो है अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो जो है उसको बैक करके जो है फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, दिया हुआ है कि जो है 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली जो है कितनी संख्याएँ हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, बोल रहा है कि तीन एवं पांच से, मतलब कि दोनों से कटने वाली संख्या चाहिए। और यहाँ पर प्रश्न में दे चुका है बीच वाला दिया हुआ है, मतलब कि 300 एवं 500 के बीच, ना 500 लेना है ना 300 लेना है, इनके बीच में की संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा, बाद वाले में एक कम करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो बाद वाले में एक कम करेंगे, अगर तक दिया रहता तो पहले वाले में एक कम करते हैं। 499 होगा, 499 में सबसे पहले तीन एवं पाँच से दिया हुआ है, इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तीन एवं पाँच का एलसीएम कितना होगा, तो 15 होगा। तो 15 से वैसी संख्या निकालना है जो 499 तक कटेंगी। तो कितने बार में जाएगा ये, 15 से 45, ठीक है, फिर 15 से 45, 33 संख्या होंगी जो 15 से कटेंगी, मतलब दोनों से कटेंगी 500 तक, 500 के बीच, ठीक है। अब देखेंगे 300, इसमें जो है भागा देंगे 15 से, कितनी संख्याएँ कटेंगी, तो 20 संख्या ऐसी कटेंगी जो 15 से कटेंगी, मतलब दोनों से कटेंगी। हमें क्या चाहिए, ठीक है, तीन और 500 के बीच चाहिए, तो पहले 20 जो संख्या होंगी उसको घटा देंगे, तो मालूम चल जाएगा कि 300 और 500 के बीच में कितनी संख्या होंगी जो 15 से कटेंगे। तो 33 में क्या कर देंगे, 20 कम कर देंगे, ठीक है, तो 13 होगा, 13 ऐसी संख्या होंगी जो 15 से कटेंगी इसके बाद, ठीक है, 500 के बीच। ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी में। अब हम देखते हैं जो है, ये जो सवाल है एकदम बहुत टफ है, लेकिन हम लोग जो है इसको सोल्यूशन करेंगे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 500 एवं 800 के बीच तीन या पाँच से बोल रहा है, हमें जो है तीन एवं पाँच से दोनों से कटने वाला जो है संख्या नहीं चाहिए, तीन या तो तीन से कटेगा या तो पाँच से कटेगा, वो संख्या चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग तीन एवं पाँच से कटने वाला संख्या निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बीच दिया हुआ है, तो हमें जो है बाद वाला में एक कम करना है, तो बाद वाला में एक कम करेंगे तो कितना होगा, 799, 799 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो 15 से 75, ठीक है, 15 से 45, 53 ऐसी संख्या होगी जो 15 से कटेंगे। अब यहाँ पर 500 तक निकालेंगे, इसमें देखेंगे तीन बार में 15 से 45, फिर 15 से 45, 33 संख्या, इनके बीच में कितनी संख्याएँ होंगी जो 15 से कटेंगी। तो क्या करेंगे, 53 में 33 को कम कर देंगे तो कितना होगा, 20, यानी 20 ऐसी संख्या होंगी जो 15 से, यानी दोनों से कटेंगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, या चाहिए या तो तीन से कटने वाला या तो पाँच से कटने वाला। सबसे पहले फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीन से कितनी की संख्या कटेंगी ये निकालेंगे। तो तीन से, तो 799 में जो है तीन से कम करेंगे, तीन से कटने वाली संख्या निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, हमें भागफल लेना है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा एक, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 6 और 6, 266 हो जाएगा, फिर माइनस अगर इसमें भागा करेंगे, ठीक, 16 से 48, ये तीन से कटा, मतलब 166, यानी टोटल 100 संख्याएं होंगी जो तीन से कटेंगे। फिर इसके बाद उसी प्रकार पाँच से कटने वाली संख्या चाहिए, तो पाँच से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर इसमें भागा देंगे तो 15 से 75, ठीक है, 5 से 1 बार में 5, 5 से 25, 5 से 9 45, और यहाँ से 100, तो 59 संख्याएँ होंगी जो कटेंगे। तो करना क्या है हम लोग को, तीन या पाँच से, ठीक है, इतनी संख्या होगी हमको तीन या पाँच से चाहिए, तो दोनों को जोड़ करके दोनों से कटने वाली संख्या को घटा देंगे। इसका मतलब 100 में 59 जोड़ेंगे, इसका मतलब कि तीन से कटेगा और पाँच से कटेगा, ठीक। तो इसमें से क्या करना है कि 20 वो ऐसी संख्या जो होगी जो 15 से नहीं कटने वाली, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 59 और 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 139 होगा, ठीक। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगले प्रश्न में ये बोल रहा है कि 300 से लेकर के 500 तक चार एवं पाँच से नहीं विभाजित होने वाली जो है कितनी संख्या होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है चार एवं पाँच से कटने वाली संख्या चाहिए, मतलब कि चार एवं पाँच से कटने का मतलब कि दोनों से कटने वाला। तो इसमें क्या करेंगे, चार पाँच का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि तक बोला है, तो पहले वाले में एक कम करेंगे, मतलब कि 300 में से एक कम करेंगे, 299 होगा, तो 299 तक कितनी संख्याएँ जो होंगी वह 20 से कटेंगी, मतलब दोनों से कटेंगे, तो 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 20 से कम 20, 20 चौके 14 ऐसी संख्या होंगी जो कटेंगी 20 से,
दोनों से कटेंगे। फिर उसके बाद 500 में नहीं काम करेंगे, इसमें जो है 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो अब ध्यान देना है कि 299 से पहले यानी 299 तक 14 संख्या जो होंगी वह 4 एवं 5 दोनों से कटेंगे। तो हमें क्या चाहिए, इनसे 300 से लेकर के 500 तक ही चाहिए। तो पहले वाले मैटर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 25 में 14 को कम करेंगे तो कितना होगा 11। 11 वैसी संख्याएं होंगी जो दोनों से कटेंगे। अगर ये प्रश्न में पूछा होता कि 4 एवं 5 से कटने वाले जो है कितनी संख्या होंगी, तो ऑप्शन डी हो जाता है 11। लेकिन बोल रहा है कि जो है 4 एवं 5 से नहीं कटने वाला, इसका मतलब दोनों से नहीं कटने वाला। तो टोटल 300 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्या होंगी, तो 300 से पहले 299 तक गायब, यानी 101 से लेकर के 500 तक गिनती में टोटल 500 संख्या होगा। लेकिन 299 को हमको नहीं लेना है, इससे पहले वाले संख्याओं को नहीं लेना है। मतलब कि 300 से लेकर के 500 तक टोटल कितनी संख्या होंगी, तो 201 होंगी। कितनी होंगी, 201 होंगी। इन 201 संख्याओं में से 11 ऐसी संख्या होंगी जो 4 एवं 5 से कटेंगे। तो 11 माइनस कर देंगे, इसका मतलब 190 ऐसी संख्या होंगी जो 4 एवं 5 से नहीं कटेंगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेलो भाई, अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो प्रश्न दिया हुआ है कि अगला जो है 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। इससे जितने भी पहले प्रश्न देख रहे थे, ठीक है ना, इससे पहले वाले प्रश्न में दिया था कि 4 एवं 5 से नहीं विभाजित होने वाले। अब याद दिया हुआ है कि या का मतलब होता है कि दोनों से नहीं कटने चाहिए वो सी संख्या, ठीक है। 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, लेकिन दोनों से नहीं कटने वाली संख्या जो है हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तक दिया हुआ है तो पहले वाले में एक तो कम करेंगे ही करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 299। 299 तक देखेंगे पहले जो है इन दोनों से कटने वाली संख्या चाहिए। इन दोनों की संख्या दोनों से कटेगा तो सिंपल सा इसका एलसीएम निकालेंगे 20, यानी 20 से कटने वाली संख्या यानी दोनों से कटने वाली संख्या पहले ज्ञात करेंगे। तो अभी जस्ट से पहले निकाला गया था, फिर से देख लेते हैं हम लोग। 1, 20, 24 मतलब 14 संख्या जो इससे कटेंगे। फिर आगे देखेंगे 25 बार में, मतलब कि 20 से यानी दोनों से कटने वाली संख्या जो होंगी इसमें माइनस कर देंगे तो कितना होगा 11 ऐसी संख्या होंगी जो इनसे लेकर 300 से लेकर के 500 तक वह जो है 4 एवं 5 दोनों से कटेगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि 4 या 5 से निकालना है। तो सबसे पहले फिर देखेंगे 4 से कटने वाला संख्या, तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, बड़े वाले संख्या को पहले लिख देते हैं। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि 4 से कितना कटेगा, ठीक है। माइनस करेंगे 299 में 4 से, ये हो जाएगा 125। 125 में से इसको माइनस करेंगे, 4 7 28, 4 4 16 यानी ये कितना होगा 51 ऐसी संख्या होंगी जो इनके बीच यानी 300 से लेकर 500 तक 4 से कटने वाला होगा। उसी प्रकार 5 से कटने वाला चाहिए, तो 500 से कटने वाला जस्ट बड़े वाले जो है यूनिट को हम लोग पहले लिख देते हैं, छोटे वाले को यूनिट बाद में लिखते हैं, इससे जो है डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं। और ये हो जाएगा 100। और यहाँ से अगर इसको करें तो 5 5 25 5 9 45 और ये कितना बचेगा 41, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना है दोनों से कटने वाला संख्या कितना है, 4 से भी कटने वाला और 5 से भी कटने वाला कितना हो जाएगा इतना। हेलो दोस्तों, अब जो है इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग विभाजित होने वाली संख्या निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, दिया हुआ प्रश्न में कि 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए उससे थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा दे दिया है, ठीक है ना। योगफल अब निकालना है कौन कौन सा, सबसे पहले जो है 500 तक दिया है, इसका मतलब कि शुरुआत से लगातार 1 से लेकर के 500 तक वैसी संख्या, ठीक है, निकालना है जो 9 से विभाजित होगी, और उन संख्याओं का योगफल भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका सीरीज बना लेते हैं, यानी पहला जो संख्या होगा 9 से कटने वाला 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 18 होगा, और ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट यानी 500 तक में लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 495 होगा। कैसे निकालेंगे, तो लास्ट नंबर में जो है 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 9 5 45 फिर 9 5 45, तो यानी 5 शेष बच जा रहा है। इसका मतलब अगर ये 5 कम रहता तो वो 9 से कट जाता, ठीक है। तो 495 होगा जो कि लास्ट नंबर होगा इस सीरीज का। इसको हम लोग जो है SN यानी जो है समांतर श्रेणी के जो है फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट एक और तरीका है, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इनके बीच में जो है कितने पद होंगे, तो AP वाला सीरीज का फॉर्मूला है और डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, यानी N जो है कितने संख्याएं हैं इनको निकालेंगे। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट
फर्स्ट बटा में डी और प्लस वन कर देना है, मतलब कि इनमें कितने पद हैं इनको निकालना है। तो सिंपल से क्या करेंगे, हमें पद निकालना है, पद का मतलब कितने टर्म होंगे। तो लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये जो है इनका जो सार्वअंतर यानी डी जो होगा ठीक 9-9 के अंतर से बढ़ेगा, क्योंकि ये 9 से कटने वाला संख्या चाहिए। तो जो सार्वअंतर यानी डी होगा कॉमन डिफरेंस वो 9 हो जाएगा, ठीक, और इसमें 1 जोड़ देंगे। यहाँ से ध्यान देते हैं, इसमें अगर माइनस करेंगे तो 486 होगा और बटा में 9, इसको कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 यानी 54 बार में, और 1 जोड़ देंगे तो 55 ऐसे सीरीज बनेंगे जो 1 से लेकर 500 तक 9 से कटने वाले। तो 55 पद होंगे, 55 टर्म होंगे। अब इनका जो है योग निकालना है, तो योग के लिए अब क्या करेंगे, एक और शॉर्ट फार्मूला है, इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो एवरेज इसका निकालेंगे, एवरेज क्या होगा, फर्स्ट क्या है 9 और लास्ट क्या है 495 और बटा में 2 कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज यानी अगर इसको जोड़े तो 504 दूसरे डिवाइड करेंगे तो 252 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल जो है निकालने के लिए एक फार्मूला हो जाएगा, एवरेज गुणे यन। एवरेज का मतलब होता है कि इन संख्याओं का औसत, ठीक है, और इनमें जो है जितने टर्म है, जितने पद हैं, जितने पद होंगे मतलब कुल जो है एवरेज इसका औसत कितना आया। कभी भी हम लोग जोड़ अगर निकालना, जैसे मान लेते हैं कि 1, 2, 3 इन संख्याओं का जोड़ चाहिए तो डायरेक्ट हम छोटा टर्म में जोड़ लेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्याओं चाहिए तो इनका पहले औसत देखेंगे क्या होगा। औसत 3 संख्या दिया है, लगातार दिया है, इसका मतलब कि बीच वाला ही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट बाई 2 मतलब कि 3×1=4 हो जाएगा, दूसरे भाग करेंगे कितना जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक, इसका मतलब बीच वाला ही तो माना आया, ठीक, इवन नंबर के लिए है। लेकिन अगर ऐसे, ठीक है, ऑड नंबर सीरीज में है तो बीच वाला ही हो जाता है, या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो जाता है। और योग निकालना रहता है, जैसे मान लेते हैं 1, 2, 3 ये क्या है, सीरीज है, और इसका योग निकालना है तो एवरेज कितना आया, 2 आया है मिडिल टर्म, और इसका जो है कितने टर्म है, 3 टर्म है, ठीक, 3 टर्म है, अगर इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 6। ऐसे भी देखेंगे अगर जोड़ेंगे, छोटा टर्म है तो जोड़ेंगे तो भी क्या इतना आएगा, 6 आएगा। तो उसी तरह से ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। तो सम डायरेक्ट निकलना है तो एवरेज गुणे यन होता है, एवरेज कितना आया, 252 आया है, और टर्म कितने आए, 55, तो 55 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 252 में 55 से गुणा करेंगे तो 5 × 10 5×5 = 25 यानी टोटल आएगा इसका जो है जोड़ 13,860, जो कि ऑप्शन नंबर जो है किसमें है, तो ए में है। अब देखते हैं जो है इस सवाल का जो है सेकेंड मेथड में कैसे निकालेंगे। हम लोग एस एन फार्मूला पर निकालेंगे। एस एन फार्मूला पर सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो है पद देखेंगे, तो एन बराबर अभी बताया है कि जो है लास्ट माइनस फर्स्ट होता है बाई डी कॉमन डिफरेंस बटा में प्लस वन करेंगे। तो ये फार्मूला कैसे आया हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये जो है ए एन से आया, यानी ए पी वाले पद में आया, ए पी वाले सीरीज में कभी भी ए एन जानते हैं तो हम लोग जानते हैं लास्ट जो टर्म होता है, लास्ट टर्म को ए एन भी बोलते हैं, टी एन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा लास्ट टर्म बराबर, ठीक है, ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी होता है, मतलब ये लास्ट वाला टर्म क्या है 495, इसे यहाँ पर लिख देंगे, फर्स्ट वाला टर्म क्या है 9 है, फिर प्लस एन माइनस एन मतलब कि इसमें कितने टर्म है ये नहीं मालूम है, ठीक है, और यहाँ पर इसके बीच में कितने टर्म मिल रहे हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कितना के अंतर से बढ़ेगा ये, ठीक है, तो 9-9 के अंतर से बढ़ेगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान देना ये प्लस है और यहाँ पर ये 9 इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, एन माइनस वन इंटू 9, अब यहाँ पर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 486 एन माइनस वन इंटू 9, 9 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा कितने बार में, तो 54 बार में, और यहाँ पर माइनस वन है क्या हो जाएगा, 54 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 55, 55 पद हैं टोटल, इस 55 हमको निकालना है। तो हम जानते हैं, ठीक है, किसी भी एपी में एन पदों का योग निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस यल, यल का मतलब ए एन हो जाएगा, ठीक है, अंतिम पद। एक और फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
तो लास्ट टर्म जब दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो 55 पदों का हमको चाहिए योग, 55 बटा में 2, पहला पद क्या है तो 9, अंतिम पद 495, और यहाँ से निकाल लेंगे 55 बटा में 2, और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है 504, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 252, अगर इसको गुणा करें तो कितना जाएगा 13860, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका सम निकाल सकते हैं एपी द्वारा जी, ठीक है एपी द्वारा जो है फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो जो है इससे पहले सम बराबर होता है एवरेज गुणे यानी।